हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की सुबह हो रही है, सुबह का दोपहर हो गई है। हमारी मूवी कैम 1992, हर्षद मेहता। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट, मेरी फेवरेट मूवी है यार। शेयर मार्केट के बंदे है तो ये मूवी तो देखनी बनती है। बहुत पहले देख ली थी, मगर ये चामुंडा नहीं देख ली। ये वो चामुंडा आपने देखी है कि नहीं, कमेंट्स बताइए। और कैसी लगी आपको ये भी कमेंट्स बताइएगा। मेरी तो फेवरेट मूवी है भाई साहब। ऑल्ड में डॉक्यूमेंट्री, जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीजें बहुत पसंद है। एंड गाइस, चेक दिस आउट, व्लॉग देखे जा रहे हैं बीएमडब्ल्यू के अपने। अब लड़का कौन है ये नहीं मालूम, बट बीएमडब्ल्यू लिए है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं खाली। मम्मी अपनी कब आएगी? मम्मी कह रही पता नहीं। ये आपने ऊपर ये टेम्पल का लगा रखा है? यार अगर मालूम होता ना कि इतना टाइम लगेगा तो हम कभी ना बुक कराते बाइक को। खैर, आप लोग भी दुआ करिए, कमेंट में लिखिए कि जल्दी आ जाए बाइक, जब किस्मत पे लिखी होगी तभी आएगी। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम है कि हम लोग पहले स्विगी का डिलीवरी वाला काम करते थे, लेकिन आज फिर से एक डिलीवरी का काम मम्मी ने दे दिया है। एक आंटी जी को एक पार्सल डिलीवर करना है, तो चलते हैं फिर उसको डिलीवर करके आते हैं। पुराना एक्सपीरियंस काम आ रहा है। चलिए फिर मम्मी का काम करते हैं, फिर बाहर का भी आपको दिखाते हैं, और अगर कोई वेंडर्स मिलेगा तो क्या इंटरव्यू भी लेंगे, और फिर आते हैं घर पे, फिर आपको दिखाते हैं वहां का सीन। बहुत मजा आने वाला है। लाइक कर दीजिए गाइस, 50 लाइक चाहिए। जब तक 50 लाइक होने जाएंगे मम्मी 50 लाइक ही कहेंगे, तब तक बाइक नहीं आएगी। लो 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 लो, बाइक नहीं आएगी भाई साहब, करिए 50 लाइक जल्दी। चेक दिस आउट, ये खड़ी अपने मेस्ट्रो, और बहुत जल्दी यहाँ पे अपनी खड़ी होने वाली है। क्या मालूम है आपको? तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। तो चलिए फिर अपना काम खत्म करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर पे। और आंटी जी का ब्लॉग नहीं बनाएंगे यार, प्राइवेसी नाम की चीज होती है, वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते। चलो अब घर पे ही चलते हैं। और स्कूटी से डिलीवरी करने आए, कल बीएमडब्ल्यू से भी करने आए। मम्मी का काम है, मना नहीं कर सकते। तो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर पे, मम्मी का सारा काम खत्म करके। मम्मी आज अपने डिलीवरी बॉय बना दिया फिर से हमें। ओका माँ चाहे कुछ भी बना दे, लेकिन अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं लखनऊ के शोरूम बीएमडब्ल्यू की। एक बंदा है वो टेकिंग डिलीवरी ऑफ बीएमडब्ल्यू G310RR। ये बंदा डिलीवरी दे रहा है, देखो मम्मी देखिए, यही लड़का है जिसने हमारी बाइक बुक करी थी। ऐसे यार हम मिलेंगे भाई, हम लोग जो लखनऊ से उठाई गए। ये देखो आई शाबाश दुल्हन मम्मी हमारे शादी का बोगी बाइक के साथ। लड़की वाले दहेज नहीं दे रहे? नहीं मम्मी, दहेज नहीं चाहिए, हमें खुद खरीदनी है। हमारी कब आएगी? अरे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही डिलीवरी चाहिए हमें, ऐसे ही गिफ्ट हमें चाहिए। ये देखो ऐसे ही बैठेंगे, मगर मम्मी एक दिक्कत है, हमारे बाइक में बैठना तक नहीं आता। चलाना तो बहुत दूर की बात है, क्या होगा हमारा? ये बंदा सिखाएगा। शादी भी पहली बार होती है, पहली बार होती है, किसी को पता थोड़ा नहीं होता। ओ भाई साहब, कमेंट देखो, आपको भी क्या ही पता रहता है कि कहाँ साइन करने, क्या करना। बिल्कुल सही बात, कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमें बाइक जो थोड़ी बहुत जो आती है वो अरमान ने सिखाई है, लेकिन इस चामुंडा ने पूरी नहीं सिखाई। तो आप सीख भी तो स्प्लेंडर से रहे थे, सोहेल अंकल वाली थी, यहीं पे चलाई थी सबसे पहले, ये स्प्लेंडर से बीएमडब्ल्यू। चलो गाइस, बाइक आ जाएगी तो फिर चलाना सीख भी जाएंगे, बस गिराए ना, बस ये है। तो अगर गिरी नहीं, खुद गिर जाएगी बाइक। कह रहा खुद गिर जाइए, बाइक ना गिरना चाहिए। देखना मम्मी दोगले लोग, देखना दोगलापन, देखना मम्मी देखना ही है, मतलब भाई इम्पोर्टेंट नहीं है, बाइक इम्पोर्टेंट। देख रहे मम्मी, ये देखिए गाइस, पूरी प्लानिंग चल रही है, जाएंगे ना मम्मी, हम लोगों को जा रहे हैं किसी काम से लेके, वहाँ पे सामान हमारे उठवाना है, और अरमान पूरी प्लानिंग में है कि हम सो जाएं। नहीं ऐसा नहीं, 5 बजे जाना है तो अभी 1 घंटा है, 1 घंटे में बढ़िया नींद आ जाएगी। पहले खाना खा लो, फिर चलो चले। हाँ तुम लोग ने कल घोरी बाबा बने थे, क्या हुआ? कल मच्छर भगे? बिल्कुल नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगे। ये आइडिया किसका था? अरमान बे, हमने भी लगाया था। ये आईफोन का शो भी जा रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। आईफोन मम्मी को देखो, कम से कम ठीक तो है, इधर देख लो। ये देखो मम्मी का फोन है, मम्मी को तो नया फोन दिला दे तब भी मम्मी ने बदल लेंगे। तो फाइनली गाइस, बीएमडब्ल्यू की बहुत बातें हो गई हैं, मम्मी ने आज एकदम बिल्कुल प्लान बना के रखा था कि आज हम अमृत से सारा काम ही करवा लेंगे। आज पूरा दिन मेरा मम्मी के साथ है, और आज मम्मी पता नहीं हमें कहाँ लाई है, कि यहाँ का सामान उठा के घर में पहुंचाना है, और देखते है क्या काम है क्या नहीं है, फिर उसके बाद चलते हैं। एंड गाइस, चेक दिस आउट, ये होता है असली गेम। आए शाबाश, इन बच्चों की एनर्जी देखिए आप, इनको देखिए, आए शाबाश, ये देखिए। अरे नहीं,
ये प्रूव करता है कि हर इंसान कभी बंदर हुआ करता है। बेटा अपने पेड़ पे चढ़ लेते हैं पूरा हा? चढ़ लेंगे ऊपर। क्या उम्र है आपकी, कितने साल के आप? हाँ नहीं पता आपको, पता है कितने साल के आप? 10 साल के। छोटा बम बड़ा धमाका। गाइस चेक करो गाइस, बाप रे बाप, गिर ना जाए। आराम से ले जाना फरमान बचा के। ये देखो ये निकला हुआ है, देख रहे है? ये निकला हुआ है यार। इतना कबाल आप लोग लाती कहाँ से? फैक्ट्री थी कबाड़ तो गाय। यार चमलों का नाम है लाइफ स्टाइल कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला नहीं फैक्ट्री वाला। अरे साला ये फैक्ट्री, फैक्ट्री थी हम लोग गाय। ये फैक्ट्री हम लोग की पहले चमड़े की फैक्ट्री थी, उसका बेकार माल यहाँ पे पड़ा था। हमने कहा ला उसको उठाओ घर पे ले जाओ भैया, 100 रुपए कमाएंगे बेच के। बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है। लेकिन कबाड़ नया है भाई साहब। और ये देखे हमारे अघोरी बाबा कबाड़ी बाबा बन गए हैं। और हम लोग लाइफ स्टाइल जेंटलमैन से बन गए हैं, लाइफ स्टाइल कबाड़ी वाला। चेक दिखाओ नया तरीका भारी भारी सामान को नीचे उतारने का। चेक दिखाओ देखो कितना बढ़िया तरीका। अरे हम लोग भी ऐसी तरीका यार, लाया हम लोगों की। आज हम लोग की पहचान बदल रही है गाइस, आज हम लोग बन गए हैं जुगाड़ू कबाड़ी वाला। अब ये आइए पहिए गाड़ी में रख के आओ, करके जाए फोन रख के पहिए रख देंगे आइए। ये पता नहीं रोड है, रोड है आराम से। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, काम ना। मम्मी भी भीख मांगने के लिए कटोरा निकल गया। अल्लाह के नाम पे मेरे छुट्टा नहीं आगे जाओ, छुट्टा नहीं आगे जाओ। गाइस चेक दिस आउट, यहाँ पे हमारे दो कपल। बड़े बुजुर्ग कहते हैं लव बर्ड को परेशान करने से खुद का लव नहीं मिलता। वो तो नहीं मिल रहा है, वो वैसे भी नहीं मिल रहा है, परेशान कर लिया जाए। इंटरनेशनल भिखारी कार से आते हैं। रखो ऐसे, एक के ऊपर एक, एक देखो पूरी सीट। अरे अरे एक साइड बैठना है। हम एक के ऊपर एक रखवा रहे बस। और काम यार, जब हम काम करते हैं तो मेरा ब्लॉग कोई नहीं बनाता, जब दूसरे काम करते हैं तो उनका ब्लॉग बना लेते हैं लोगों को लगता है कि हम काम ही नहीं करते। तो यार अभी हम लोग घर पे आ गए थे, और जहाँ पे अघोरी बाबा फिर से आ गए हमारे घर में, और कमरे में दोबारा धुआं धुआं होने वाला है हमारे कमरे में भी। यहाँ पे भी यार मच्छर बहुत ज्यादा हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, या तो कमरे से या तो घर से बाहर निकल जाते हैं, या तो मास्क लगा लेते हैं। हमें लग नहीं रहा मास्क काम करेगा, घर से ही बाहर निकल जाते हैं। गाइस चेक दिस आउट, आज मेरा मन कर रहा था आज पराठा और चाय खाने का, मतलब चाय पीने का पराठा खाने का, तो मम्मी वही बना रही है। लेकिन देखिए गाइस यहाँ पे मच्छर मारने की। अघोरी बाबा आप मेरे घर में मच्छर मारने का कितना लेंगे? डेली कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके? 12,000-13,000। बाप रे बाप। और एक एक मच्छर मारने कितना कितना लेते हैं आप? बस अंडे की ट्रे लेते खाली, अंडे की ट्रे, इसमें आपको 10,000-12,000 रुपए चले जाते हैं। 12,000 मच्छर मारे, क्या बात है। पहले हमारे कमरे में इस गमले में जुगाड़ लगाया जा रहा है, इसी में जला के कमरे में बंद कर देंगे। आपका कमरा पे हो चुका, हो गया मेरे कमरे। ओहो यहाँ पीठ पीछे काम हो चुका। अघोरी बाबा आपको कबाड़ पीटने की काम कब से आ गया आपका? कबाड़ नहीं, मिट्टी की जुगाड़ कर रहा है। देश की मिट्टी, भारत की मिट्टी में रह के मिट्टी नहीं मिल रही भाई साहब। राष्ट्र की मिट्टी में टट्टी हो गई है। कह रहे राष्ट्र की मिट्टी में टट्टी हो गई, और जहाँ पर मिट्टी खोदी जा रही है। मिट्टी क्या जरूरत है अघोरी बाबा जी, हमें मिट्टी क्या काम है? अरे गमला से रख जाएगा नीचे, क्या एक दिन जल्दी है ये। और लड़का चेक देखा, और यहाँ पे अब ये सिखाएंगे कि मच्छर कैसे भगाए जाते हैं। तो गाइस पता है ये जलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जलाएंगे नहीं तो रात में सोना मम्मी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम लोगों ने तो काला हिट डाल दिया था, तो वो सब खत्म हो गए। मगर जहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये आउटर एरिया है, एक गेट जाना खुलता है और सारे मच्छर ऑफिस के अंदर, जो ऑफिस बन गया मच्छरों का। तो यहाँ पे को वर्कर साहब, अघोरी बाबा साहब कपड़े भी बिल्कुल वैसे ही पहने, मांगे के हैं, मेरी शर्ट पहने, लो मांगे के पहने, मेरी शर्ट फाड़ दी उसने, फाड़ ली क्या मतलब, जो ब्लू वाली पहने, ग्रिल रखे थे पीछे, हाँ इन्हें सोचा धक्का देके ग्रिल हाँ। ऐसे उतर जाएगी अपने हाँ। हाँ। ने पकड़ दी, यहाँ फंसी हुई थी, चिर हो गई। बहुत बढ़िया, मतलब एक काम करो उसमें भी शर्ट फाड़ देगा। इस एक ही कोने में काहे जला रखो, धुआं तो निकलना है, जला बाहर निकलो आपकी, मतलब मच्छर मरेगी नहीं, हम लोग पहले निकल लेंगे।
अब अंदर हवन होगा मच्छरों का। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पराठा खाने और एक बार मेरे कमरे को चेकआउट करिए। धुआं धुआं भाई साहब। अरे अरे भैया कैसे बैठेंगे हम कमरे में भाई। हमें चार में खैर फाड़ दी। एक काम करते नहीं हो? 3000 लोग देख रहे। हाँ तो मम्मी चिल्लाइए जरा सा काम नहीं करेंगे ये। और तेज कैमरा देख के गुस्सा नहीं आ रहा है? रुको बैकग्राउंड में रुक जाओ अभी। बिहाइंड द सीन बात करते हैं। कोई अच्छी चीज थोड़ी नहीं है। अपनी नुकसान एक काम किया नहीं और अगर अगर लेवा मिस्त्री पे लगा दे तो कौन जाने क्या क्या फाड़ चले हैं।